जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी सर्टिफिकेट्स एंड एग्जामिनेशन के बारे में कि एनसीसी में कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, उनमें क्या क्या ग्रेडिंग होती है, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है उस एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर थ्री सर्टिफिकेट इन एनसीसी। एनसीसी में तीन तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। बिलो डिस्क्राइब्स अबाउट इट फॉर्म लोअर वैल्यू टू दी हायर वैल्यू। ये छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक का, मतलब ज़्यादा वैल्यू कौन से सर्टिफिकेट की होती है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट्स की। एनसीसी में तीन तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। पहले हम बात करें ए सर्टिफिकेट की। इट कैन बी रिटन बाई जे डी जे डब्ल्यू कैडेट्स ऑफ एनसीसी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जे डी की फुल फॉर्म होती है जूनियर डिवीजन और जे डब्ल्यू होती है जूनियर विंग। जो स्कूल के कैडेट होते हैं एनसीसी वाले, उन्हें हम जे डी या जे डब्ल्यू कहते हैं। जे डी बॉयज़ के लिए कहते हैं और जे डब्ल्यू गर्ल्स के लिए। कैडेट ऑफ क्लास एट्थ एंड नाइन्थ, जो आठवीं और नौवीं क्लास के होते हैं, उसमें जब एनसीसी हम ज्वाइन करते हैं तो वो स्कूल लेवल की जो एनसीसी होती है उसको हम जे डी या जे डब्ल्यू कहते हैं। वहाँ पर हम ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आफ्टर पासिंग दोज क्लासेज इट कैन बी ऑब्टेंड। आठवीं नौवीं पास करने के बाद ए सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड ए मिनिमम ऑफ 75% ऑफ टोटल ट्रेनिंग पीरियड्स। अगर हमारी ड्रिल होती है, जैसे हर सैटरडे को होती है, कहीं पर फ्राइडे को होती है, कहीं पर मंडे को होती है, तो जितनी भी लगी, मान लो अगर हम मानते हैं कि हमारी 100 ड्रिल टोटल लगी, तो उसमें से कम 75 ड्रिल 75 ड्रिल अटेंड की होनी चाहिए, क्लासेस अटेंड की होनी चाहिए, जब इस कैंप के लिए अपीयर हो सकता है कोई भी कैडेट। दूसरी बात, मिनिमम एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप या फिर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसको अटेंड किया होना चाहिए, तभी वो ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर हम बी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो ये एसडी के द्वारा, यानी कि कॉलेज लेवल जो सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग होता है, उनके द्वारा ये एग्ज़ाम दिया जाता है इन द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग। जब 2 साल हो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग को सेकेंड ईयर में, इसमें भी सेम कंडीशन है कि 75% ऑफ द टोटल पीरियड्स आर लेड डाउन बाय द सिलेबस फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। 75% अटेंडेंस टोटल मिला के 2 सालों की उसको अटेंड की होनी चाहिए। मस्ट हैव अटेंडेड वन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एक कैंप ज़रूर होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। और अगर उसके पास ए सर्टिफिकेट है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि बी सर्टिफिकेट लेने के लिए ए सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मतलब अगर हम बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको स्कूल में एनसीसी करी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हमारे पास, बी सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहा है और उसके पास ए सर्टिफिकेट है, तो उसको 10 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। और बस यही है। सर्टिफिकेट सी की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट और सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है, उस सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट फॉर द एनसीसी कैडेट्स। नाउ इट कैन बी रिटन इन द थर्ड ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तीसरे साल की जब ट्रेनिंग होती है, जब लिखा जाता है ये, इन द थर्ड ईयर ऑफ डिग्री कोर्स दोज हैविंग बी सर्टिफिकेट कैन राइट इट इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर हिज 10+2 एंड द फर्स्ट ईयर डिग्री ऑफ SDSW कैडेट्स ओनली। द कैंडिडेट मस्ट बी पोजेसिंग ए बी सर्टिफिकेट। देखो, कॉलेज में अगर हम जाते हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे हम एनसीसी कर रहे हैं, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 2 साल के बाद हम बी देते हैं, उसके बाद हम सी देते हैं। लेकिन कुछ सीनियर डिवीजन स्कूल्स में भी होती हैं, वो जो कोची मतलब स्कूल होते हैं जहाँ पर सीनियर डिवीज़न होती है, अगर वहाँ पे आपके पास पहले से ही बी सर्टिफिकेट है, तो आपको सिर्फ 1 साल के बाद ही आप डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, 75% तो मिनिमम क्लासेज हमको अटेंड की होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर भी एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए, और एक बी वाले करते टाइम, यानी कि पूरे 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान हमें 2 कैंप किए होने चाहिए। वे दोनों CATC भी हो सकते हैं, या फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि हम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप को ही अटेंड करें, इसका कोई इक्विवेलेंट कैंप हो या इससे बड़े कैंप हो। जैसे अगर किसी ने RDC, TSC, NIC ये कैंप कर रखे हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है CATC करने की। मैंने मेरी NCC के जर्नी के दौरान एक भी CATC नहीं किया, RDC किया, TSC किया, NIC किया,
बस यही कैंप मैंने किए, कुछ कल्चरल्स कैंप किए। मैंने नहीं किया CATC क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है इंस्ट्रक्शन के अंदर या तो CATC या उसके इक्विवेलेंट। अगर हम CATC से बड़े कैंप कर लेते हैं तो हमें CATC करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सी जेती बिफोर ये सी सर्टिफिकेट अपग्रेडिंग मिलती है इसमें। ग्रेडिंग कैसे, सी सर्टिफिकेट के अंदर ए ग्रेड है या सी सर्टिफिकेट के अंदर बी ग्रेड है या सी सर्टिफिकेट के अंदर सी ग्रेड है, इसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अल्फ़ा बीटा या गामा भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं। द बेस्ट सर्टिफिकेट इज सी विच हैज़ दी हाइएस्ट वैल्यू। ए कैडेट हैज़ टू ऑब्टेन 45% मार्क्स इन इस पेपर एंड 50% इन द एग्रीगेट टू पास द एग्जामिनेशन। सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, उसमें भी अलग से मार्क्स लगते हैं, ड्रिल के अलग मार्क्स होते हैं, ड्रिल भी करवाई जाती है सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम जब देते हैं, वेपन भी खुलवा के देखे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू टाइप भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाता है। तो अलग अलग आस्पेक्ट होते हैं और हर एक पेपर में, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पोर्शन में मिनिमम 40% 45% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए और एग्रीगेट मिला के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर हम पास करना चाहते हैं। तो अब ए ग्रेडिंग किसको मिलती है, जिनके 80% मार्क्स से ज़्यादा होते हैं उनको मिलती है ए ग्रेडिंग। बी ग्रेडिंग मिलती है जिनके 65 से ज़्यादा और 80 से कम होते हैं, और सी ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो जिनके 50 से ज़्यादा होते हैं और 65 से कम होते हैं उनको सी ग्रेडिंग मिलती है सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में। सो ये बातें थी, ये हमने डिस्कशन किया सारा NCC के बारे में, NCC सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपके आंसर, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का। और अगर ऐसा लगा कि मुझे इस पर एक और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्राउड ग्रुप ऑफ NCC के साथ। जय हिंद, जय भारत।